बाबू साहब, कैसी हैं आप? तने देख के ठीक ना भी हूँ तो हो जाओ, अभी तो ठीक हो। कैसे हैं? जीते रहो बेटा। नमस्ते, नमस्ते। आइए माँ जी, आइए बैठिए माँ जी। आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा। आपने खबर भी नहीं दी अपने आने की, और फोन पर भी नहीं बताया कि आप लोग आने वाले हैं। जी पहले बता देते तो हमें अचानक देखकर जो बड़ी खुशी आई थारे चेहरे पे, वो कहाँ से आती? अब पर मेहमानों की तरह हर बार बता के आना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। ये घर आपका ही है, आपका जब मन करे जैसे मन करे आप आ सकती हैं। पूछ के आने की कोई जरूरत नहीं है। असल में हम लोग नाथ द्वारा गए थे दर्शन के लिए, तो सोचा कि लौटते हुए आप सबसे भी मिल लेते हैं। जी, प्रसाद लाए हैं सबके लिए, ये लीजिए। घर बड़ा खाली खाली सा लागे। सिर्फ बेटा तो दफ्तर में होगा, पर बाकी लोग दिखाई न देवे, बाहर गए कहीं? जयपुर जी, दिल्ली। वो दादी साहब सब किसी जरूरी काम से जयपुर गए हैं, फिर शायद वहां से दिल्ली भी जाएं, तो इसलिए मेरे मुंह से दिल्ली निकल गया। हेलो पापा, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। अब मेडिकली भी प्रूव हो चुका है कि छोटे पापा हमारी फैमिली का हिस्सा है। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। कंफर्म, मेरा डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तेरा भाई अनूप मुझे वापस मिल गया। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। जी अनूप, आपको छोटा भाई है ना? यानी कि शिव के काकू सा जिंदा है? जी, हमें भी कल ही मालूम चला है कि हमारा अनूप जिंदा है। माँ जी, अनूप शिव के काकू सा नहीं, शिव अनूप के संतान है। अनूप और मीनू की पहली संतान। जैत सर का परिवार हमसे अलग नहीं है। इन दोनों परिवारों के बीच कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो छुपा हो। मैं चाय लेकर आती हूँ, आप लोग बातें कीजिए। मैं भी अभी आया हूं। माँ ने जो कहा वो सच है दादी साहब, शिव को माँ ने नहीं, छोटी माँ ने जन्म दिया था। कुछ दिनों पहले मैं माँ के साथ एक हॉस्पिटल गई थी। मैं आप लोगों से बस यही कहने आया था कि आप लोग अगर चाहें तो उदयपुर लौट सकते हैं। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से ये तो साबित हो ही चुका है कि अनूप जी आपके परिवार के सदस्य हैं और एक आर्मी ऑफिसर भी। तो अब उनसे जो भी पूछताछ या कार्रवाई होगी उस सबके दौरान हम उनकी डिग्निटी का पूरा ख्याल रखेंगे। और वैसे भी मैं तो यहाँ हूँ ही, पर अथॉरिटी जब तक उनकी रिहाई के ऑर्डर्स पास नहीं कर देती मैं उनका पूरा ख्याल रखूँगा। मैं इन्हें छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हाँ राजीव, बल्कि हम में से कोई भी बिना अनूप को लिए यहाँ से वापस जाने की सोच भी नहीं सकता।
आई अंडरस्टैंड दद्दू, लेकिन स्टेज पे जब उनकी रिहाई की कार्रवाई शुरू हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता कि आप सबके यहाँ रुकने का कोई पॉइंट है। अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं तो मुझे लगता है कि शिव को यहाँ रुकना चाहिए और बाकी लोग। शिव भैया पर उनके काम की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनका रुकना पॉसिबल नहीं होगा। मैं रुकता हूँ। नहीं भाई, यहाँ रुकने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर काफी छुट्टियां बैलेंस है जिन्हें मैं आप यूटिलाइज कर सकता हूँ। छोटे पापा के पास मैं ही रुकूंगा। मैंने कहा ना आप लोगों से कि मैं नहीं, एक मिनट, मेरे ख्याल से शिव और माही को यहाँ रुकना चाहिए। समझदार हैं दोनों और अनूप का अच्छी तरह से ख्याल भी रख सकेंगे। अमीनू बेटा, तुम मेरे साथ वापस चलो ताकि हम बाकी लोगों के साथ मिलकर अनूप के स्वागत की तैयारियां कर सकें। अगर आपको यही ठीक लगता है पापा जी तो मैं जिद नहीं करूंगी, लेकिन क्या एक बार जाने से पहले इनसे मिल सकती हूँ मैं? शिव तो पहले से ही दिल्ली में थे और बाकी सब भी कल ही दिल्ली के लिए निकल गए, और आज ये साबित हो चुका है कि पाशा और कोई नहीं बल्कि छोटे पापा हैं। सोचो भला, शहजादे तने उस दिन हमारी जीप के सामने आ गए थे और उसके बाद मंदिर में देखो उन्हें, आए थे वहां खाना लेने। वो हमारे अपने अस्पताल में रहे इतने दिन, जगह और गंगा ने उनकी देखभाल की, उनका भी एक जुड़ाव सा हो गया था। अब ये जाना कि वो शिव के पिता, बहुत अजीब लग रहा है वो सब याद करके। जिंदगी के रास्ते कोई ना जाने है, कद कहाँ कौन सा मोड़ आ जावे। हम जी घर का बेटा वापस आ गयो घर, और सब माने बैठे थे कि कभी ना आवे वो वापस। आने वाले के लिए तो सब कुछ नयो नयो होगो, पर इस घर के लिए बहुत कुछ बदल जावेगो। जानती हूँ दादी साहब, और अब भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अब जो भी बदलाव आए इस घर की भलाई के लिए आए, सबकी खातिर खुशी और शांति लेकर आए। शिव की सच्चाई सामने आने पर बहुत अच्छे से संभाला है इस घर ने खुद को, अब यही उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही हो। छोरी तो उम्मीद रख और प्रार्थना कर, साथ साथ जतन भी कर, अपनी जिम्मेवारी लेकर घर परिवार को संभालने का, सबकी एकता और शांति बनाए रखने का, जैसे तू करती आई है अब तक, ऐसे इस सब का सबसे ज्यादा असर समधन साहब पे पड़ो होगो ना। मैं बात करना चाहूंगी उनसे। आपको परेशान करने नहीं आई ना, आपके लिए खाना लाई हूं। मुझे नहीं खाना। बैंगन का भरता और लहसुन का अचार हो फिर भी नहीं। बैंगन का भरता, लहसुन का अचार, थैंक यू।
भाई। चकलू आनंदी से पूरी बात सुनने के बाद मैं समझ सकूं कि गुजरी होगी आपके कार्जे पे। सच्चाई जानने के बाद भी मन तैयारी न होगो मानने के लिए, इसने आपकी कोख से जन्म ना लियो। एक बात कहना चाहूं कि वैसे तो कान्हा जी ने देवकी की कोख से जन्म लियो, मुझे बात सारी दुनिया जाने, लेकिन सही मानों में माँ का दर्जा जसोदा जी को मिले। जानती हूँ माँ जी, लेकिन यशोदा और देव की एक छत के नीचे नहीं रहती थी, अगर रहते तो शायद उनकी कहानी भी दूसरी होती और कृष्ण जी की भी। ना समझण सा, कुछ भी ना बदल तो। आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत बरस पहले की बात है, मारी जेठानी ने अपना नवजात बच्चा अपने हाथों से मारी गोद में डालो। मैंने कसम खिलाई कि कभी बच्चे को पता ना चले मैं दूं इसके बापू कौन है। किसकी बात कर रही है? अपने बसंत की। आपकी तरह मैंने भी उसे अपनी कोख से जन्म ना दी, फिर भी मने माँ मण के बड़ो हुए वो मने अपने माँ माने। तुम्हारे मन में डर बैठ गयो तो बहुत पहले कि कदी उसको पता चढ़ गयो कि सच्चाई के है तुम्हारे से मुंह मोड़ ले वे गो, मने माँ बुलाना छोड़ दे वे गो। ऐसो ना हो, तुम्हारे सारे डर झूठ निकले। एक दिन सच्चाई जानी बसंत ने, जानने के बाद भी मने माँ कहना ना छोड़ो उसने। मारे लिए उसके प्यार में इतनी सी भी कमी ना आई है। जे सब जबकि उसका बापू जिंदा है आज, मैं जसोदा हूं उसकी, और मैं विश्वास के साथ कह सकूं कि यदि उसकी माँ आज आ जावे और हमारी छत के नीचे रहवे तो भी मारे छोरे के दिल में मारे प्यार की इतनी सी भी कमी ना आए। वैसे एक जीव को 9 महीने अपनी कोख में पालना, फिर दर्द सहकर उसे दुनिया में लाना बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन अपना खून दूध बना के बच्चे की भूख मिटाना, उसे अपने प्यार से संस्कार से पाल पोसे के बड़ो करना, ये भी तो बड़ी बात है। और बच्चे इस आदर को इस प्यार को समझे, मुंह से कुछ बोले ना बोले तो आप बीच डर अपने मन से निकाल दो। क्या हुआ अगर आपने शिव को अपनी कोख से जन्म ना दिया है तो आपको ही, और आपको बहुत प्यार करे है, और आपका भी उतना ही हक है उस पे जितना कि जी सब जानने से पहले था। बहुत बहुत आभार माँ जी, मेरी आंखें खोल कर मेरे डर को दूर करने के लिए, वरना शिव मुझसे दूर ना भी जाता तो अपने ही डर की वजह से शायद मैं उससे दूर चली जाती। पर अब ऐसा ना होगे गो, और वैसे भी माँ चाह के भी अपने टावर से दूर ना जा सके। अब चलूं मैं। समझण सा जी, क्या करो आप समझण सा? माँ जी, अगर आज मेरी माँ होती तो आप ही की तरह समझाती मुझे, जो इतने सारे लोग मिलके
इतने दिनों में मुझे नहीं समझा पाए वो आज आपने कुछ ही पलों में समझा दिया। सदा खुश रहो आप। अब आज्ञा चाहूं अभी निकलेंगे तभी भगत पे पहुंच पाएंगे जैत सर जी। चलिए मैं तो देवी माँ से यही मनाऊं कि इतने सालों बाद शिव के बापू का ऐसे घर में लौट आने से शिव की अपनी पहचान और घर के उनके आपसी रिश्ते प्रेम प्यार इसमें कोई बदलाव ना आवे। भरीजे वाली माता शांति देवे उस घर में। हाँ हाँ लाल मैं 10 मिनट पहुंच जाऊंगा वहां, तू तैयारी करके रख, बस मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है ओके बाय। अरे आप लोग कब आए, कैसा रहा सब, आनंदी के यहाँ सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब राजी खुशी है वहाँ, पर सांझ पड़े तू कहाँ जावे? हाँ दादी साहब की इमरजेंसी केस आ गया है, जाना होगा, लेकिन रात के खाने तक लौट आऊंगा मैं, चलता हूँ। जीप की चाबी ऊपर बुलाया कमरे में, गंगा चाबी ले आओगी प्लीज जल्दी। गंगा थोड़ा जल्दी इमरजेंसी केस है। अच्छा रहने दो मैं खुद ही ले आता हूं। जी बिंदड़ी तो धीमे धीमे समड़ समड़ के कहीं चढ़े है। शिव ने बता दिया होगा फोन करके, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से भी अनूप की पहचान साबित हो गई। अब आर्मी हाईकमांड को कोई परेशानी नहीं होगी उसे रिहा करने में, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, तभी हम उसे वापस लेकर आ पाएंगे। इतने साल इतना वक्त बिना उम्मीद के गुजर गया, तो उम्मीद के साथ थोड़ा सा वक्त और गुजर जाएगा। हमें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि जिसके आने का हम सपना तक नहीं देख सकते थे वो जल्द हमारे साथ होगा। मीनू मैं जानती हूं तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा, इतने सालों बाद अनूप के सामने जाना उससे मिलना, तुम्हें देखकर उसे कुछ याद आया? मुझे देखकर उन्हें कुछ याद नहीं आया दीदी, उन्होंने मुझे पहचाना तक नहीं। अनूप ना खुद को पहचान पा रहा है ना हम सबको, डॉक्टर्स का कहना है कि ये सब कुछ नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। जी पापा जी परेशान मत हो, अब जो होगा सब अच्छा होगा, एक बार अनूप घर लौट आए अपनों के बीच रह के उसे सब याद आ जाएगा।
सकारात्मक सोच वाले इंसान आशा का दामन कभी नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों के जीवन में हर असफलता सफलता में बदल जाती है।